राम राम जी, आज आप लोगों का स्वागत है राजा जी का ढाबा में। रसगुल्ला, एक लीटर दूध गाय का डाल देते हैं, ये 1.5 लीटर है तो हम 1 लीटर का बढ़ाएंगे। इसको चलाते रहना है और इस पे जो छाजी आता है यानी कि साड़ी ऊपर का, ये जमना नहीं चाहिए इसके ऊपर। इसमें बस एक ही उबाल आना चाहिए, एक उबाल आएगा, हमें दूध को गाढ़ा और कुछ नहीं करना है, एक उबाल आएगा। अब इसको 2 मिनट के लिए हम ठंडा कर देंगे। यहाँ पे हम 2 टेबल स्पून के करीब पानी दे रहे हैं और 2 ही टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें विनेगर। हम लोग को अंदाज़ा है, आप वैसे नाप के भी दे सकते हैं और थोड़ा कम ज़्यादा चलेगा। 2 मिनट हम घड़ी देख के 2 से 3 मिनट हम दूध को ठंडा करेंगे और उसके बाद छेना फाड़ देंगे। तो यहीं पे हम डालेंगे ये जो विनेगर और पानी मिक्स कर रखे थे, ये थोड़ा थोड़ा चारों तरफ डालेंगे, इसको चला देंगे। तो देखिए गर्म हो रहा है तो फटना शुरू हो गया है। अगर इस कंडीशन में भी, गर्म करने के बाद भी अगर आपका छेना नहीं फटता है तो थोड़ा सा इसमें विनेगर आप डाल दें। छेना अलग हो गया है और पानी अलग हो गया है तो इसको हम ड्रेन कर देते हैं। पानी साफ देके, इसका तो पानी निकल गया हमारा, अब फ्रेश पानी हम इसमें डाल के इसको धो देंगे। 3-4 पानी धोने के बाद इसका पानी हमें उतना ही निचोड़ना है कि जितना अपने आप निकले। ये देखिए इस तरह से, इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, इतना प्रेस ना कर दें कि इसमें से जो छेना है वो बाहर निकल जाए। बस हमें थोड़ा हल्का हल्का दबा दबा के इसका पानी जितना निकल रहा है उतना, ज़्यादा नहीं दबाना है। अब इस तरह से पूरा ये पानी निकल जाएगा, इसको कम से कम आधा घंटा रखना है, आधा घंटा से ज़्यादा रख सकते हैं, कम नहीं। कि कटोरी में हम चीनी लिए हैं, ये लगभग 250 से 300 ग्राम है, 250 से 300 ग्राम इसमें डाल देंगे। कटोरी का नाप रख दें, हो सकता है कि 300 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा भी हो, एक कटोरी का हम मेजरमेंट रखेंगे। आँच हम धीरे करके छोड़ देंगे कि धीरे धीरे चीनी पिघलता रहे। इसको आधा घंटा से ज़्यादा रखेंगे, नहीं तो ये बाद में जब आप मस देंगे तो गीला हो जाएगा। सारी बातें हमें ध्यान रखिएगा आप, जो हम आपको बता रहे हैं। इसको 10 मिनट हम मसलने के बाद फिर आपको दिखा रहे हैं। इसी तरह हमें करना है, एक जगह इकट्ठा कर देना है और इस तरह से मसलते रहना है। 10 मिनट तक हम इसको मसलेंगे, फिर उसके बाद दिखाएंगे। इसमें हमें अरारूट 1 टीस्पून डालना है 1 किलो दूध के लिए, बस इतना ही, 1 टीस्पून हो गया। अब इसको इसी पर मिला देंगे और इसे हमें 2 मिनट और मसलना है। पेंदा बना लेते हैं, तो पेंदा बना के हमें रखना नहीं है, इसको बढ़िया से मसल देना है, एकदम स्मूथ सा पेंदा बनाएंगे इसका और डालते जाएंगे पानी में। तो ले चलते हैं चूल्हे के पास, इसको एकदम बिल्कुल पानी खोलता चाहिए। तो देखिए पानी खोलना शुरू हो गया है, अब ढक्कन हटा लेते हैं और ढक्कन को इधर रख देंगे और अब एक एक पेंदा बना बना के हम डालते जाएंगे। आँच जो है एकदम इसका जो मेंटेन रहेगा, इसका जो भी गर्माहट है पानी का वो मेंटेन रहेगा। तो एक एक करके बनाते जाएंगे और डालते जाएंगे। ये देखिए सारा हम पेंदा लगभग डाल दिए हैं, अब देखिए साइज जो हम डाल रखे थे वो देखिए, डालने का साइज ये है, आपको हाथ में दिखा रहे हैं हम, डालने का साइज ये है और देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया है। इसको 3-4 मिनट तक पकाना है बस, उसके बाद ढक के हम पकाएंगे। 5 मिनट हो गया है, इसको बीच बीच में ढक्कन बार बार नहीं उठाएं आप, एक ही बार 5 मिनट के बाद उठाएं। ये देखिएगा तो कितना बड़ा बड़ा हो गया है, ये देखिए। वैसे तो ये 12 से 14 मिनट में पक जाता है, लेकिन ये पका है कि नहीं पका है वो भी आपको हम बताएंगे जब इसको निकालेंगे। तो सर आपको ट्रिक्स बता रहे हैं जो कि आपके रसगुल्ले को छोटा नहीं होने देगा, अपने आकार में ही रखेगा। तो यहाँ पे हम बर्फ निकाल कर रख देते हैं। इसी में हम डालेंगे ठंडा पानी और इतना पानी डालेंगे कि हमारा रसगुल्ला बढ़िया से डूब जाए। रसगुल्ला इतना बड़ा बड़ा है, अब इसको हम निकाल के डालेंगे बर्फ वाले पानी में। ये बर्फ के पानी में डूब जाता है तो समझिए कि रसगुल्ला पक गया है, अगर नहीं डूबता है तो इसको 2 मिनट और पका लें। देखिए 1 किलो में 12 रसगुल्ले बने हैं इस साइज के, तो इसका पानी हम निचोड़ देते हैं, इसको एक बर्तन में रखते जाएंगे। तो थोड़ी देर छोड़ने के बाद फिर अपने साइज में आ जाएगा। देखिए तो जो कढ़ाई में चाशनी बचा हुआ है वही चाशनी हम डालेंगे इसमें। अब ये सारा रसगुल्ला एकदम हमारा फूल जाएगा। इसको चाशनी में भी डाले, 2-3 मिनट हो गया है, अब आपको हम दिखा रहे हैं कि ये चाशनी कितने पिया है। ये देखिए तो चलिए चलते हैं रसमलाई बनाने। ये देखिए जो हम गाय का दूध ले गए हैं इसको डाल देते हैं।
ये सवा किलो के करीब दूध है, तो एक किलो के आसपास हमने डाल दिया है, एक पाव करीब बचा दिया है। और इसको हम एक उबाल तक गर्म कर लेंगे। उसके बाद इसमें हमने देखिए कल हमने छेना फाड़ रखा था, तो उसमें का बचा हुआ है, तो इसी से हम डाल के फाड़ेंगे। ये देखिए हमारा दूध हल्का ठंडा हुआ है, इसी में हम थोड़ा थोड़ा इसको डाल देंगे। आपके पास ये पानी नहीं हो तो एक नींबू का जूस डाल सकते हैं। ये देखिए हमने एक नीचे छन्नी लगा रखा है और छन्नी के नीचे एक कटोरा लगा रखा है ऐसे, और फिर इसका पानी हम बढ़िया से निचोड़ देंगे। आप इसको कहीं ऐसा लटका के भी रख सकते हैं, और नहीं तो स्ट्रेनर में ऐसी इस तरह से रख देंगे तो भी आपका पानी निकल जाएगा। और इसके ऊपर कोई वेट रख दे, अगर स्ट्रेनर रखते हैं तो इस तरह से वेट रख देंगे तो ये पानी आपका निकल जाएगा ऐसे। इस तरह से उसी के ऊपर रखना है सीधे, और उसमें जो हमने दूध बचा रखा था रबड़ी के लिए वो इसी कढ़ाई में डाल देते हैं। ये देखिए हम दूसरा कढ़ाई लिए हैं, वही जिसमें हमने छेना फाड़ रखा था, और इसमें हम डालते हैं पानी आधा लीटर, और इसी में हम डालेंगे 250 ग्राम चीनी। ये देखिए रीठा है, इसी से हम झाग बनाते हैं, चाहे रसमलाई बनाए रसगुल्ला बनाए। जैसे कि हम अभी एक पाव का बना रहे हैं, मतलब एक किलो दूध का, तो इसमें हम दो रीठा को फोड़ देंगे, इसका बीज निकाल देंगे और फिर हिला हिला का झाग बनाएंगे। आपको हम दिखा रहे हैं, दो रीठा पहले हम फोड़ देंगे। ये एक किलो दूध के लिए बहुत है। देखिए मैंने रीठा को तोड़ दिया है, बीज है, बीज को हम फेंक देंगे। और इधर हमने पानी दिया है एक कटोरी में, ये देखिए ये पानी है, इतना पानी में हम इसको डाल देंगे। ये देखिए हमारा छेना निकल गया है। अब इसको एक खुला बर्तन ले लें और हथेलियों की मदद से, इस तरह से इस हथेली की मदद से इसको कम से कम 15 मिनट तक आप बढ़िया से मिलाएं। इसी तरह हम मलते हुए कितना देर इसको मलेंगे, ये पूरा मलने के बाद हम आपको बाद में दिखाते हैं कि कितना देर हम मले हैं और कि ये किस तरह का हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा मल के 15 मिनट के बाद हमारा ये मल के बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम हो गया है। ये देखिए हम इसका पेंदा काट देते हैं। अब इसका हम रसमलाई बना देते हैं, गोल कर देंगे और इसको थोड़ा सा चिपका देंगे। सारा ऐसे ही हम बना देंगे। ये देखिए जो चाशनी हमने रसमलाई पकाने के लिए बना रहे थे वो तो खोलने लगा है, और इधर हमने रीठा फोड़ के इसमें रख रखा है। देखिए रीठा फोड़ के इसमें रखा है। अब इसको बंद करके ढक्कन किसी भी आप बोतल में किसी में ऐसे ऐसे हिला दें, बढ़िया से हिलाने से क्या होगा कि झाग इसमें बन जाएगा, और झाग इसमें बनेगा तो इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे तो इसमें भी झाग बनना शुरू हो जाएगा, और झाग से ही हम पकाएंगे रसमलाई। ये देखिए हमारा झाग बनना शुरू हो गया है, तो इसी में हम डाल देंगे रसमलाई को। गैस का फ्लेम हम तेज रखेंगे और इसमें थोड़ा सा और हम हिला के डाल देंगे। ये देखिए उतना ही हम रीठा डाले हैं दो बार। जब जब गैस का फ्लेम चूल्हे का आँच तेज हो रहा है तब तब इसमें झाग बनना शुरू हो जा रहा है, और झाग में ही ये पकेगा। एक दो पिंच है इलायची पाउडर और एक पिंच है केसर कलर, आप इसी में हम डाल देते हैं। देखिए दूध हमारा बहुत गाढ़ा हो गया है, इसी में हम डाल देते हैं इसको। देखिए इसमें इलायची पाउडर का फ्लेवर आ गया होगा, तो इसको हम रबड़ी को उतार देते हैं। देखिए इसमें से हम दो कलसी पानी देंगे। इसमें हम ऐसा इस वजह से करते हैं कि जो भी हमारा रसमलाई हो वो स्पॉन्जी का स्पॉन्जी रहे। ये देखिए रबड़ी हमारा हल्का गर्म है, तो इसी में हम, आप इससे थोड़ा पहले भी चीनी डाल सकते हैं और बाद में भी, तो हमने छोटा छोटा 4 चम्मच इसमें चीनी डाल दिया है और इसको मिला देंगे। और इसी पे हम गार्निश कर देते हैं, जो भी आपको ड्राई फ्रूट की आपकी इच्छा हो या जो भी आप पसंद करते हो वो ड्राई फ्रूट आप डाल दें। ये देखिए हमारा रसमलाई जितना हमने अभी निकाला था उससे डबल हो चुका है, जितना हमने बनाया था जितना बड़ा पीस उससे डबल हो चुका है। और देखिए सारा ये जितना भी रबड़ी था ये सारा सोख लिया है। तो देखिए दोस्तों हमारा 10 मिनट हो चुका है, अब इसको हम आपको काट के दिखाते हैं। एकदम सॉफ्ट बना है, ये देखिए इसको जहाँ से काटे हैं एकदम सॉफ्ट बना है। देखिए अभी आपने देखा मैंने रसमलाई काट के आपको दिखाया, बहुत सॉफ्ट बना है और खाने में भी बहुत टेस्टी बना है।
तो बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें कढ़ाई को पोतना पड़ेगा, क्योंकि ये अल्मोनियम का कढ़ाई है तो काला ना हो जाए, इस वजह से हम इसको पोत लेंगे। और इसको अभी आँच हम तेज रखेंगे, और जब ये आधा दूध हो जाएगा तो हम आँच इसका धीरे रखेंगे। तभी दूध को गर्म कर देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों इसको बराबर चलाते रहना है, और इसमें जो साड़ी आता है ऊपर वो जमने नहीं देना है, और किनारे किनारे से इस तरह से चलाते रहना है कि कहीं भी इसमें मलाई टिके नहीं, नहीं तो उसका कलर अलग हो जाता है जब आप बर्फ़ी बनाएंगे। तो कम हो गया है मतलब, यानी कि बहुत गाढ़ा हो गया है ये। तो अगर इसकी आप क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसमें डालें मिल्क पाउडर अभी ही। अरे हमारा 1.5 किलो दूध था, इसमें हम 100 ग्राम से भी कम चीनी डाल रहे हैं। आपको चीनी अगर ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि ये गलने के बाद बहुत ज़्यादा ये। तो अभी हमें लगेगा 10-15 मिनट के बाद फिर दिखाते हैं जमाने का टाइम में। तो हम इसको निकाल देते हैं, और चूल्हा पर से उतारने के बाद इसको 4-5 मिनट तक चलाएं, क्योंकि चूल्हा बिल्कुल गर्म होता है। हाथों पर थोड़ा सा घी या तेल लगा दें, और इसको इस तरह से आप लेवल कर दें। इस तरह से छोलनी की सहायता से छोलनी पर हल्का सा पीछे आयल लगा दें, और इस तरह से आप इसको इस पर एक बार घुमा दें। और ये इसे हमें फ्रीजर उजरज में कहीं नहीं रखना है, बाहर रखेंगे रूम टेम्परेचर पे। तो ये देखिए हमारा प्लेन हो गया है, अब जिससे भी करते हैं प्लेन कर दीजिए। इसको छोटा बड़ा बर्फी जैसा भी चाहें वैसा काट सकते हैं आप। हम इसमें 3 लाइन बनाएंगे, तो इसको अभी हम काट देते हैं। तो इसे जमाए हमें अभी आधा घंटा हुआ है, और ये जम गया है, तो इसको हम काट देते हैं, एक बार क्लियर कर देते हैं। उतना बढ़िया तो नहीं जमा है, लेकिन जम गया है आधा घंटा में। अब क्या चाहिए, आधा घंटा में बहुत बढ़िया जम गया। तो रख देते हैं बर्फ़ी को निकाल के। तो बर्फ़ी को रख देते हैं एक प्लेट में। तो ये देखिए दोस्तों, दूध की बर्फ़ी बन के हो गया है तैयार। तो हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए राम राम जी।